हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स किए थे। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स में वी हैव रेड अबाउट सेप्रोट्रॉफिज्म, पैरासिटिज्म, देन द होलोजोइक न्यूट्रिशन। आज हम करने जा रहे हैं, कल हमने अमीबा में न्यूट्रिशन डिटेल में कर लिया था, आज हम उसी से रिलेटेड करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन एंड पैरामीशियम। पैरामीशियम में और अमीबा में बेसिकली क्या फर्क है? दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दोनों ही होलोजोइक है, दोनों में मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है, सब कुछ सेम है, बट थिंग एंड द डिफरेंस इज दैट हमने देखा था कि अमीबा में, लेट अस गो टू द लास्ट स्लाइड, अमीबा में ये जो है दैट वाज अ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया फूड मटेरियल के पास, फूड वाले पार्टिकल के पास जा रही थी, उसको इनगल्फ कर रही थी, उसको इंजेस्ट कर रही थी। बट इन द केस ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम में हमारे पास ओरल ग्रूव है, ओरल ग्रूव के बाहर सीलिया प्रेजेंट है। This makes the paramecium more special than the amoeba. Amoeba में सिर्फ किसी भी पॉइंट से फूड पार्टिकल को लेके खा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिसिटी आ गई बोथ फॉर इंजेशन एंड इजेशन। द फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, दैट इज द ओरल ग्रूव। The food is brought close to the oral groove by the cilia present on the body surface of the paramecium. By the cilia present on the body of paramecium. Cilia क्या करते हैं? Food particle को close ले आते हैं, oral groove के पास ले आते हैं, या cilia trap कर लेते हैं food particle को, देन ओरल ग्रुप में फूड अच्छे से चला जाता है। नाउ लेट अस गो टू द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम। दिस इज द डायग्राम ऑफ द पैरामीशियम। एज यू कैन सी देर इज अ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, देर इज अ फूड वैक्यूल, देर इज ओरल ग्रूव, देर इज अ माउथ पोर, देर इज अ न्यूक्लियस, there are millions of cilia, there is an anal pore, food yahan pe pada hota hai, yahan se wo yahan oral groove mein ja ke mouth pore mein chala jata hai, yahan pe ingestion ho jati hai, then with the help of enzymes jo act karte hain, enzymes act karke food ko digest kar dete hain, फूड डाइजेस्ट हो जाता है, पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, एंड इज सेंट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द साइटोप्लाज्म। बेसिकली वेरियस सेलुलर ऑर्गेनेल्स में जो फूड ट्रैप हुआ है वो सेंट हो जाता है। अनलाइक अमीबा कि अमीबा में क्या था, अमीबा में फूड को लेने के लिए कोई भी ग्रूव नहीं था, कोई भी डिप्रेशन नहीं था, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं थी। बट इन द केस ऑफ पैरामीशियम देयर इज अ स्पेसिफिसिटी बोथ फॉर इंजेशन एज वेल एज इजेशन। डाइजेशन तो सेम एज अमीबा, इन द फूड वैक्यूल ही हो रही है। ओके, इस न्यूट्रिशन को भी होलोजोइक न्यूट्रिशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज सॉलिड फूड बेसिकली अपने से छोटे वाले ऑर्गेनिजम्स को पैरामीशियम खाता है एंड उनको खाना पसंद करता है, उसके बाद ओरल ग्रुप में फूड जाके थ्रू द माउथ पोर, थ्रू द साइटोप्लाज्म एंड थ्रू द एनल पोर वो क्या हो जाता है, इजेस्ट आउट हो जाता है। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स।
As you can see, these are the various parts of human digestive system. Human digestive system consists of the gut, the alimentary canal, and its associated glands. ठीक है, ओके. अब हम चलते हैं थोड़ी सी थियोरेटिकल नॉलेज पे, उसके बाद आएंगे डायग्राम पे. पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं. The alimentary canal is long tube extending from mouth to anus. Alimentary canal or the gut is a long tube. मुंह से शुरू होती है और एनस से खत्म होती है. Food is chewed and mixed with saliva in mouth with the help of tongue and teeth. First of all, the food goes to the mouth and then with the help of teeth, it is bitten into smaller pieces. Then with the help of tongue, it is mixed into the saliva. With the help of saliva, the food becomes soft and it is known as the bolus. Saliva, which contains the salivary amylase, acts on the starch that is present in the food. Saliva is secreted by three pairs of salivary glands. The food is converted into smaller particles and made smooth by mixing it with mucus and saliva. It is now called bolus. Now let me tell you this part again in detail. फूड है, फूड यहां से माउथ में जाएगा. माउथ में टीथ के च्यू, द फूड इज बीइंग च्यूड एंड बिटन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. स्मॉलर पीसेस में बिट होने के बाद द फूड पार्टिकल्स आर मिक्स्ड विद सलाइवा. सलाइवा में मिक्स्ड होने के बाद फूड क्या हो गया, सॉफ्ट. एंड उस फूड को हमने क्या बोल दिया, बोलस. अब जो सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होगा वो क्या कर देगा, वो जो हमारे फूड में स्टार्च है उसको उसको एनालाइज उसको करना शुरू कर देगा, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा. ओके, नाउ आगे चलते हैं. आई होप यू गॉट इट. सी, द नेक्स्ट थिंग इज द बोलस मूव्स डाउन द ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ द ईसोफेजियल वॉल. बोलस है जो वो नीचे चला जाता है टू द ईसोफेगस एंड देन फाइनली द स्टमक बाय द प्रोसेस नोन एज पेरिस्टाल्सिस. वंस द बोलस रीचेस द स्टमक, इट इज एक्टेड अपॉन बाय HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस एंड पेप्सिन. ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि ये बोल कर रहे. बोलस था हमारी मुंह के अंदर, बोलस था हमारे मुंह के अंदर कहां पे, यहां पे. अब जब टंग उसको पुश करेगी और फूड को नीचे जाने देगी, दिस मूवमेंट इज नोन एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ये पेरिस्टाल्सिस से ईसोफेगस में से जो फूड है वो स्टमक में पहुंच जाएगा. यहाँ पे हमारा फूड पहुंच गया, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वी हैव म्यूकस एंड HCl जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस. और ये गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट कौन करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ओके, नाउ सी, HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम फॉर the action of the pepsin, क्योंकि pepsin ने action करना है हमारे stomach में. Thus, HCl क्या करता है, एक acidic medium की तरह act करता है. और देखो,
एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है टू एक्टिवेट द एंजाइम्स नीडेड टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, बट दिस एसिड इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर अस बिकॉज इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इससे बचने के लिए हमारे स्टमक में ये म्यूकस, म्यूकस की पूरी लेयर होती है इनसाइड द स्टमक विच प्रिवेंट्स द स्टमक फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाने के लिए हमारे पास म्यूकस की लेयरिंग होती है जिससे एसिड से पूरा हमारा स्टमक बच जाता है. एसिड के अराउंड, स्टमक के अराउंड म्यूकस की मेम्ब्रेन होने की वजह से. एसिड चाहिए क्यों, आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं. चलो the pepsins converts the proteins into the peptides. proteins ko peptides mein kaun convert kar deta hai, pepsin. और पेप्सिन आता कहाँ से है, पेप्सिन कम्स फ्रॉम द एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टमक. नाउ हमारे फूड, हमारी जो स्टमक के अंदर जो फूड है दैट बिकेम एसिडिक. नाउ दिस फूड इज कॉल्ड द काइम. काइम इज द एसिडिक फूड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर स्टमक. ओके, इस चीज को समझ लिया आप लोगों ने, ये चीज समझ आ गई इन डिटेल. नाउ द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर. किसी भी चीज की एंट्री शुरू होती है किसी भी ऑर्गन की, बेसिकली किसी भी ऑर्गन की एंट्री शुरू होती है, कोई ऑर्गन खत्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो क्या रहा है कि उस स्फिंक्टर को रेगुलेट करना पड़ेगा वरना बैक फ्लो हो जाएगा. पेट में स्टमक, पेट में हमारे खाना पहुंच गया, एक बार स्टमक में खाना पहुंचने के बाद व्हाट इफ द बैक फ्लो हैपेंस. बैक फ्लो हो गया तो हमारा फूड तो कभी स्टमक में आ ही नहीं पाएगा. इस चीज को हमें श्योरिटी करने के लिए स्फिंक्टर बनाया गया. द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर. स्फिंक्टर मसल या स्फिंक्टर. स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर एक चीज होती है, एक ओपनिंग होती है जो वन साइडेड होती है. फूड जब आया तो वो ओपनिंग खुल गई, लेकिन फूड अगर पीछे को जाना चाह रहा है तो ओपनिंग नहीं खुलेगी. इट इज अ श्योर शॉर्ट ओपनिंग. देखो अगर आपने गंदा खाना खाया, अगर आपके पूरे मसल्स, स्टमक की मस्कुलर वॉल ही पूरी हिल रही है सारी, फिर तो जरूर बैक फ्लो हो जाएगा क्योंकि हमें वॉमिटिंग इसी वजह से आती है. लेकिन हर रोज खाना खाने के बाद वॉमिटिंग क्यों नहीं आती है, क्योंकि दैट स्फिंक्टर रेगुलेट्स द फूड दैट इज एंटर्ड द स्टमक. दिस स्फिंक्टर इज नोन एज अ पाइलोरिक स्फिंक्टर और pylorus, which releases a small amount of partially digested food into the small intestine. Understood? Pylorus क्या करता है? मुंह के अंदर क्या हुआ? मुंह के अंदर तो थोड़ा सा starch ही digest हुआ ना? Partially digested food into the small intestine. ठीक है? मुंह के अंदर थोड़ा सा स्टार्च डाइजेस्ट हुआ, स्टमक के अंदर थोड़े से प्रोटीन डाइजेस्ट हुए, तो फूड ना थोड़ा सा मतलब पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्शियली 50% डाइजेस्टेड फूड चला जाता है. नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग ट्यूब फाउंड इन द एब्डोमेन. एब्डोमेन मतलब हमारे थोरेसिक रीजन के नीचे, पेल्विक रीजन के ऊपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है.
ये 6 से 7 मीटर लंबी है एंड 2.5 मीटर चौड़ी है। अब देखो हमारा लिवर, लिवर भाई हमारा क्या काम करता है, लिवर भाई हमारा बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियास है जो वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। ये जूस सेक्रीट हो रहे हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं। बाइल मतलब देखो लिवर ने क्या बनाया, बाइल जूस, पैनक्रियास ने क्या बनाया, पैनक्रियाटिक जूस। ये दोनों अपना अपना जूस बना तो रहे हैं लेकिन दे किसको रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है ये दोनों जूसेस भी पहले ही पहुंच जाते हैं वहां पे, ठीक है। देखो नाउ बाइल एक्ट्स ऑन द फैट मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक्स देम इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। दिस इजेस द एक्शन ऑफ लाइपेज ऑन द फैट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। मोटे मोटे पार्टिकल्स ऑफ द फैट को छोटा करने का प्रोसेस जो होता है उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। उसको करता कौन है, बाइल। बाइल उसको छोटा कर देता है सो दैट लाइपेज उस पे अच्छे से एक्ट कर सके एंड उस फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके। बेसिक फूड इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड काइल। अब बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस जो है वो होते हैं बेसिक, होते हैं कड़वे। वो पीएच क्या कर देते हैं, बेस में कर देते हैं उसका, 7 से ऊपर कर देते हैं। इसलिए जो बेसिक फूड का नाम हो जाता है वो हो जाता है काइल। एसिडिक फूड का नाम क्या था, काइम। वो कहाँ पे बनता था, वो स्टमक में बनता था। अब हम इस चीज को दोबारा से इन डिटेल दोबारा से करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। देखो फूड आया, फूड में क्या क्या चीजें होती हैं हमारी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, रफेज, ठीक है। बस ये चीजें आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो क्या हुआ भाई, सबसे पहले तो हुआ कि फूड हमारा गया माउथ के अंदर। माउथ के अंदर क्या हुए, माउथ के अंदर है टीथ। टीथ ने एक्टिंग की अपनी, टीथ ने बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड एंड रूल वाला रूल चल गया, डिवाइड करो और रूल करो। अगर हम अच्छे से चबा के खाना नहीं खाते पेट किसका दुखता है, हमारा ही दुखता है ना बाद में जाके। क्यों, क्योंकि देखो हमारे फूड, हमारे बॉडी में इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि हम बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर सके, इसीलिए भगवान ने हमें टीथ दी है। और सलाइवा क्या कर देता है, फूड को सॉफ्ट कर देता है। सलाइवा फूड को सॉफ्ट करने के साथ साथ जो स्टार्च होता है ना, जो स्टार्च बेसिकली फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देता है। उसके लिए भी क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज एक्ट करता है। अब ये फूड जो है हमारा चला गया इनसाइड द स्टमक। स्टमक कहाँ पे पड़ा है हमारा, यहाँ पे, यहाँ पे कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक होता है, यहाँ पे फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक होता है, यहाँ पे पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक होता है। कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक में क्या होता है, बेसिकली फूड एंटर कर देता है थ्रू द हेल्प ऑफ अ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर होता है स्टमक से इंटेस्टाइन के बीच में, ईसोफेगस से स्टमक के बीच में और लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के बीच में भी स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर आपको एक ही बार में इसीलिए बताया गया है क्योंकि स्फिंक्टर जो होता है बेसिकली इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ फूड। ऑर्गन टू ऑर्गन कहीं भी फूड शिफ्ट करेगा तो स्फिंक्टर उसको रेगुलेट करेगा ही करेगा। अगर स्फिंक्टर रेगुलेट नहीं कर रहा है तो फूड का क्या हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा। फूड के बैक फ्लो होने की वजह से वी विल फील अनडाइजेशन। जो खाना हमने इतनी मेहनत से कमाया फिर उसको बनाया और फिर खाया, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि उल्टी वाला खाना आप दोबारा नहीं खा सकते। अच्छा अब फर्स्ट पार्ट वॉज द माउथ। माउथ में क्या होता है, बोलस बन जाता है। बोलस कैसे बनता है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स होके थोड़ा सा स्टार्च हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है तब। अब स्टमक के अंदर है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड,
गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कर रहा है एसिड सिक्रीट. कौन सा एसिड सिक्रीट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. गैस्ट्रिक ग्लैंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करने की वजह से हमारे फूड को क्या बना देता है? एसिडिक. एसिडिक फूड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि जो पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स है वो प्रोटीन्स पे एक्ट कर सके. वो फर्दर प्रोटीन पार्टिकल्स को क्या करते हैं? पेप्टाइडेज एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं. उसके लिए उसको चाहिए होता है एसिडिक मीडियम. इसीलिए भगवान ने हमें पहले स्टमक दिया है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन दी है. ठीक है, जो एसिड से ढका हुआ फूड होता है उसका नाम होता है काइम. काइम काइम के अंदर क्या होता है? अब मुंह में थोड़ी सी स्टार्च डाइजेस्ट होनी शुरू हो गई थी, स्टमक में जाके प्रोटीन डाइजेस्ट होने शुरू हो गए. ठीक है, तो ये फूड क्या हो गया? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड. अब जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, दिस फूड हैज टू गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. Now, who will regulate the amount of flow of the food from stomach to the small intestine? That will be a sphincter. A sphincter will regulate the flow of food from stomach to the small intestine. That sphincter is known as the pyloric sphincter. Pyloric sphincter is present between stomach and small intestine. Okay? तो अब ये चीज देखो, काइम कार्बोहाइड्रेट्स कहां पे शुरू हुए? माउथ के अंदर विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. प्रोटीन्स डाइजेस्ट होने कहां पे शुरू हुए? इनसाइड द स्टमक विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स एक्टिवेट हो गए, उन्होंने क्या किया? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया. अब देखो एक और चीज आपको लिखवानी है. काइम काइम का नेचर क्या होता है और कहां पे होता है? तो ये चीज का आंसर है एसिडिक. एसिडिक इन नेचर, प्रेजेंट इन द स्टमक. पीएच इसका क्या होता है? लो होता है. पीएच इसका होता है लो. ओके, नाउ हमारे पास दो और ऑर्गन्स हैं, दैट इज लिवर एंड द पैनक्रियाज. ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे, ये लो भाई हमारा आ गया लिवर. दिस पार्ट इज द लिवर. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी एंड दिस इज द पैनक्रियाज. ये वाला जो पार्ट है, दिस लीफी पार्ट इज द पैनक्रियाज. ठीक है, लिवर और पैनक्रियास करते क्या है? लिवर और पैनक्रियास करते हैं डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट. लिवर करता है बाइल जूस, पैनक्रियास करता है पैनक्रियाटिक जूस. फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन भी जूस सिक्रीट करता है, उसका नाम होता है इंटेस्टाइनल जूस. लिवर लिवर क्या करता है? बाइल जूस. पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रिएटिक जूस. इंटेस्टाइन क्या करती है? इंटेस्टाइनल जूस. ये तीन टाइप के जूस होते हैं हमारी इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंच जाता है. फूड जब स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, ये तीनों जूस होते हैं वहां पे. बाइल, पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस, दे आर बेसिक इन नेचर. दीज आर बेसिक. ओके, अब फूड हमारा क्या था? पहले स्टमक के अंदर था, जब इट वॉज एसिडिक फूड. इन्होंने क्या बना दिया? फूड को बेसिक बना दिया. तो अब फूड जो बेसिक है उसका नाम भी बदल के क्या हो गया? काइम से काइल.
लाइम था हमारा एसिडिक फूड एंड काइल इज अवर बेसिक फूड. ठीक है, बेसिक क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सब मैंने आपको बता दिया. अब बाइल जूस क्या करता है हमारे फैट भाई को इमल्सिफाई. इमल्सिफाई का मतलब फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है सो दैट लाइपेजेस उस पे अच्छे से एक्ट कर सके. और ये लाइपेजेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव जूसेस. ये सारे जो डाइजेस्टिव जूसेस है ना, ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस ही होते हैं. Either it is salivary, saliva है, चाहे salivary juice हो गया, चाहे intestinal juice है, चाहे bile juice है, चाहे gastric juice है, जो है HCL है, चाहे pancreatic juice है. ये सारे digestive juices होते हैं and lipases of fats पे अच्छे से act कर सकते हैं. Water, water कहाँ पे काम आता है हमारे? Water is helpful for our hydration of the body. एज एन एनर्जी सोर्स भी वाटर यूज होता है रेस्पिरेशन में. विटामिंस, विटामिंस आर एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली फ्रॉम अवर फूड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. मिनरल्स, मिनरल्स भी जो है दे आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली वेयर एवर दे आर नीडेड. एंड रफेज, रफेज का क्या काम होता है? रफेज का काम होता है, one second, let me tell you. Minerals. Minerals are also absorbed directly. Roughage. Roughage का क्या काम होता है? It enhance the proper digestion and bowel movement. क्योंकि ये question आएगा आपको कि roughage का क्या function है, ये आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप भूल जाओगे. इसलिए तब टेंशन लेने की बजाय अभी इसको याद कर लो दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफेज. रफेज इज हेल्पफुल इन प्रॉपर बॉवेल मूवमेंट एंड इनहांस कर देता है, तेज कर देता है हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को. नाउ दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार कंपोनेंट्स ऑफ द फूड जो थे. दैट वर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, रफेज. कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है माउथ में, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टमक में, फैट डाइजेशन स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, विटामिंस एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली, रफेज इज हेल्पिंग इन द डाइजेशन, एंड वाटर इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली एज इट इज नीडेड इन अवर फूड. नाउ देखो, कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट तो हो जाती है माउथ में विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज. फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके भी अमाइलेज होता है. जब हम एनसीआरटी रीडिंग करेंगे उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको. फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होता है, अमाइलेज प्रेजेंट होता है. ओके, प्रोटीन्स की कैसे स्टार्ट होती है? HCL उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर उनके एक्टिवेट होने की वजह से प्रोटीन डाइजेशन शुरू हो जाती है. फैट डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है? फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं बाइल प्रोटीन, बाइल जूसेस. बाइल जूसेस इमल्सिफाई कर देते हैं एंड लाइपेजेस के एक्शन के लिए काम ईजी हो जाता है. Lipases start acting on the fats. Vitamin and minerals are directly absorbed. Water is also directly absorbed and roughage is helping in the. देखो roughage का क्या concept होता है? Roughage non-digestible होता है सारा cellulose. Either it is cucumber-like materials. इसमें क्या होते हैं? Cellulose होते हैं. Cellulose हमारी body के लिए digestible नहीं है.
मतलब सेलुलोज अगर हम खाएंगे इसने बाहर निकलना ही निकलना है, साथ में अदर वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकाल देगा. ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो कीप्स अस हाइड्रेटेड अवर बॉडी. गर्मी में ये लाइक जो भी फ्रूट्स लाइक वेजिटेबल्स आते हैं, खीरा हो गया, तर हो गई है ना, एंड अदर टमाटर हो गया, दीज सैलड फूड्स आर रियली हेल्पफुल फॉर अस इन अवर प्रॉपर डाइजेशन एंड कीपिंग अस हाइड्रेट एंड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द समर हीट. ठीक है, आई होप आपको ये डाइजेशन वाला टॉपिक सारा समझ आ गया होगा. टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन. सो एंड थैंक यू.